मेरा भैया हिंदू है, हिंदुवाद रहेगा। अच्छा, आपका मुद्दा रहेगा हिंदुत्व? बिल्कुल हिंदुत्व ही रहेगा। हिंदुत्व के मुद्दे पे आप सरकार को बिल्कुल वोट करेंगे? अरे हाँ, बेरोजगारी महंगाई तो है ही है। जैसे ये तेल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, मिट्टी तेल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया इन्होंने। जैसे अब शाम के वक्त बिजली 2 घंटे कट गई तो आप क्या अंधेरे में खाओ या मोमबत्ती जलाओ? अच्छा, जानवर हम ही लोग तो छोड़ते हैं। अगर हमारे पास गाय है, ठीक है, जब तक दूध देती है तब तक तो हम बांधे रहते हैं जी। जब दूध नहीं देती तो उसको छोड़ देते हैं। गलती हमारी ही है, सरकार थोड़ी छोड़ने आती है। बिल्कुल जिम्मेदारी, तो उसमें सरकार की कौन सी जिम्मेदारी है? आदमी की मानसिकता कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर प्रत्येक आदमी अपने अपने दरवाजे साफ सफाई रखेगा तो कोई जरूरी नहीं गंदगी फैली रहे। बिल्कुल, आदमी की मानसिकता सही होनी चाहिए, स्वच्छता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आप बात करने के बजाय भाग रहे हो। पत्रकार आपको देगा? पत्रकार आपका घर चलाएगा? पत्रकार की जिम्मेदारी है, पत्रकार की जिम्मेदारी ये है कि आपकी कोई तकलीफ है तो उसको सरकार तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी है मेरी आपके प्रति, और इसके हम पैसे नहीं लेते आपसे। जो आप सवाल कर रहे हो वो सवाल आप सरकार से करो। कैमरा चल रहा, आप सरकार से बोलो कि आपको जमीन दे, आपको राशन दे, आपने वोट दिया उनको, समझ गए? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आप नाराज हो रहे होंगे, जरूर हो सकता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तो नहीं बनती। आप मेरी जगह होते, मैं आपसे सवाल करता कि आप मुझे खेत दो, तो आपको सही लगता क्या? लगता बाबा? नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, नहीं बोलोगे? चलो ठीक है। क्या नाम भाई आपका? धर्मेंद्र जी, क्या करते हो? मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हो। बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो है, बहुत है, बहुत है। 30 दिन में आपको कितने दिन काम मिल जाता है? 10-12 दिन। देखा, आओ आओ। नहीं नहीं नहीं, बोलने दियो, बोलने दियो उनको, उनको बोलने दियो। ऐसे लोग हैं, समझ गए? वो थोड़ा पी लेंगे तो फिर इन वो नहीं, कोई बात। तो 10-12 दिन आपको काम मिलता है तो उससे आपका घर चल जाता है क्या? अरे चल जाता है, जैसे रोग आके मतलब। हाँ, युवा हो आप, बाहर नहीं गए शहर में कि आपको कुछ काम धंधा मिले? गए हैं, 2-3 बार गए हैं। गए कहाँ पे गए? राजस्थान। राजस्थान तो काम मिला नहीं वहाँ? नहीं किए हैं, लेकिन बहुत कोरोना की वजह से वापस आ गए। वापस आ गए। खेती बाड़ी है कुछ? 15-20 में जो लागत आती है उतना अनाज आपको मिल जाता है? नहीं, नहीं मिलता। पानी का भी साधन नहीं है ना? ठीक। अच्छा, बाकी जानवरों? जानवर तो बहुत रात दिन देखना पड़ता है। अच्छा, पूरा दिन ताकना पड़ता है? हाँ, 24 घंटे। हम आए सरकार की तरफ से 2,000 रुपए जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको? मेरे नाम खेती नहीं तो मेरे को नहीं मिलता। अच्छा, आपके नाम नहीं मिलता? मिला था वो नहीं। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी जी। उज्ज्वला योजना के तहत आपको कोई गैस सिलेंडर या कुछ मिला है? हाँ, गैस सिलेंडर तो मिला। कितने बारी सरकार ने भरवा के दिया? एक बार भरवा खाली कर। एक बार ही भरवाया सरकार ने? हाँ। उसके बाद आप खुद भरवाते? हाँ। कितने सिलेंडर आता है? अरे 750 का आवा था महीना में, 1,000 का आ जाता कबो कबो, यहाँ 850 का। तो उसके ऊपर कुछ कुछ पैसे वापस आते हैं? नहीं, पैसा वापस एक बार नहीं आया। पैसे वापस नहीं आते? सरकार तो बोले हम सब्सिडी दे रहे हैं गरीबों को। नहीं आवा भैया, नहीं आती। वोट डालने जाएंगे 2022 में? हाँ, काहे ना डाले जा। अच्छा, तो आपके मन में कोई ना कोई मुद्दा होगा कि जैसे आप वोट डालने जाते हैं आप अपना कर्तव्य निभाते हैं तो सरकार का जो जनता के प्रति कर्तव्य है सरकार भी उसको निभाए? हाँ, वो तो हर मिलो बनाओ तो जाते मिलो, यहाँ कहाँ बिचवानी है तो देखा लेते हैं। यहाँ सरकार थोड़ा देखे आवे जो है। अच्छा, मोदी थोड़ा देखे आवे। अच्छा, और यहाँ जो जनता लोग हाँ जो आवत गरीबन का तो बीच में खा लेते हैं, गरीबन का मिलता ही नहीं ना। घर है आपके पास? हाँ, घर तो है, मतलब रहने लायक है। हाँ। नहीं तो मतलब कच्चा घर हो तो शायद आपको कॉलोनी मिलना चाहिए। नहीं, कॉलोनी मिली है भैया। अच्छा, कॉलोनी मिली है? हाँ, कहा झूठ बोले। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारे 7 लोगों। 7 लोगों का? 7 लोगों के लिए राशन मिलता है सरकार की तरफ से? हाँ, 5 जनन का मिला, 2 जनन का नाम कट गया। अच्छा, 5 नाम क्यों कट गया पता नहीं कैसे? सरकार ने तो बोला चाहे आपके पास राशन कार्ड हो चाहे ना हो, पूरे इस साल जब तक चुनाव है तब तक आप लोगों को राशन मिलेगा। तो राशन नहीं है मेला, 5 जनन का मिल रहा है, 2 जनन का नाम कटेगा। दो लोगों का नाम कट गया। चलिए ठीक है, और भी दिखाना जरा इधर। क्या नाम भाई आपका? आशुतोष। आशुतोष जी, श्रीवास्तव जी, क्या करते हो?
जॉब कर रहे हैं। जॉब करते हो कहाँ पे? स्वच्छ भारत मिशन पंचायती राज विभाग हरचंदपुर में। अच्छा, स्वच्छ भारत के तहत जी। तो आपका ब्लॉक, आपका ये जो मोहल्ला स्वच्छ है आपको? बिल्कुल स्वच्छ है। बिल्कुल स्वच्छ है। हाँ। अभी आपके गांव से आया हूँ, ये छतैया के रहने वाले हो ना? हाँ। ये देखा स्वच्छ है ये? नहीं, बिल्कुल स्वच्छ है। आदमी की मानसिकता कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर प्रत्येक आदमी अपने अपने दरवाजे साफ सफाई रखेगा तो कोई जरूरी नहीं गंदगी फैली रहे। बिल्कुल, आदमी की मानसिकता सही होनी चाहिए, स्वच्छता हमेशा बनी रहेगी। बाकी आप योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं? जी। खेती बाड़ी है? बिल्कुल है। तो जानवरों से कैसे बचाते खेत को? जानवर हम ही लोग तो छोड़ते हैं। अगर हमारे पास गाय है ठीक है, जब तक दूध देती है तब तक तो हम बांधे रहते हैं जी। जब दूध नहीं देती तो उसको छोड़ देते हैं। गलती हमारी ही है, सरकार थोड़ी छोड़ने आती है। बिल्कुल जिम्मेदारी। तो उसमें सरकार की कौन सी जिम्मेदारी? गलती तो हम लोगों की है जी। जैसे जब तक गाय दूध दे रही तब तक तो हम बांधे हैं, जब नहीं दे रहे तो उसको हम छोड़ दिए, किसकी गलती? तो आपको लगता है कि इसके खिलाफ कानून आना चाहिए कि जिसकी गाय? कानून नहीं, आदमियों के सोच बदलनी चाहिए। नहीं नहीं, सोच तो नहीं बदलेगी हिंदुस्तान के, ऐसे लगता है। नहीं, ऐसे कैसे नहीं बदलेगी? जब आपको लगता है जब तक चाबुक ना चले, जब तक जनता सुधर नहीं सकती, तो इसके लिए कानून आना चाहिए। जनता चाबुक से नहीं सुधर सकती। सरकार ने बोला सबको हेलमेट लगा के चलो। हाँ। हेलमेट लगा के नहीं चलो, एक्सीडेंट हो रहा, मर रहे, आदमी मर रहा है ना। गलती खुद करेगा तो मरेगा ही। तो फिर जब आदमी गलती से सबक नहीं ले रहा तो इसके लिए कानून बनना चाहिए। कानून भी बन जाएगा, कानून बना तो है। जैसे हेलमेट नहीं पहन के चल रहे, 1000 रुपए प्लांटी पड़ रही, कहाँ आदमी सुधर रहे हैं? आदमी मानसिकता ही नहीं। लेकिन जब पकड़े जाएंगे पैसे तो देने पड़ेंगे ना? तो वो तो देने पड़ेंगे। तो उसी तरह मवेशियों के लिए, गाय भैंस के लिए, जिसकी गाय भैंस हो उसको नंबर मिले। शहरों में जैसे कुत्ता पालते लोग, उनको नंबर मिलता है। बिल्कुल समझ गए कि आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल। तो उससे मवेशियों के लिए भी एक मिलना चाहिए टोकन ना जी, मिलना चाहिए। आपकी गाय है, दूध देने के बाद अगर आपने इसको इधर तो छोड़ दिया तो आपके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी, कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ऐसा कुछ कानून होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बाकी 5 साल में जो सरकार ने कामकाज किया उससे खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। आने वाले चुनाव में वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा मेरा भैया हिंदू है, हिंदुवाद रहेगा। अच्छा, आपका मुद्दा रहेगा हिंदुत्व? बिल्कुल हिंदुत्व ही रहेगा। हिंदुत्व के मुद्दे पे आप सरकार को बिल्कुल वोट करेंगे? जी जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम भाई साहब आपका? राम रूप। अच्छा राम रूप जी, क्या करते हो आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो आप? ये बताइए 30 दिन में आपको कितने दिन मजदूरी मिल जाती है? 30 दिन में कहूँ 2 दिन मिल गया, कहूँ 1 दिन मिल गया, कहूँ 10 दिन मिल गया। आपका घर कैसे चलता फिर? अरे साहब चलता है, जितना चलता है, मतलब गिरते पड़ते चलता है। सरकार की तरफ से इस कोरोना काल में 2 साल हो गया कोरोना आए हुए, राशन वासन मिल रहा है कुछ? जी राशन तो मिलता है। राशन मिलता है। गैस सिलेंडर मिला है? जी नहीं। गरीबी रेखा वाला नहीं मिला? तो आपने लेने की कोशिश नहीं किया? मिला नहीं, नहीं। फॉर्म भरा है? नहीं, फार्म वार्म तो साहब आप भरे हैं मगर पहले नहीं भरे थे। अच्छा, बाकी सरकार के कामकाज से खुश हैं? जी। क्या लगता है 2022 में वोट देने जाएंगे आप? जी जाएंगे। जाएंगे। जब वोट देने जाएंगे तो आपके मन में कोई मुद्दा रहेगा कि सरकार को, जैसे आप वोट दे के अपना धर्म निभाते हो तो सरकार भी आपके लिए कुछ करे? अब सरकार जो करे या ना करे साथ, अच्छा वोट तो देना ही पड़ता। अच्छा, वोट देंगे आप, अपना कर्तव्य निभाएंगे, सरकार चाहे अपना कर्तव्य निभाए या ना निभाए। खेती है? जी हाँ, बीघा काड़ है, एक आधा बीघा है। तो उसकी देख रेख जानवरों से कैसे करते हो? जानवर क्योंकि बिल्कुल इस पीछे बहुत सारे जानवर खड़े हैं। हाँ, साथ में उनको रात में तकना पड़ता है और का। अच्छा, 24 घंटे की सेवा है? अगर आपने खेती अपनी लगा रखी तो 24 घंटे आपको जानवरों से जाना पड़ता है, सुरक्षा करनी है। योगी सरकार से खुश हैं? जी खुश हैं। खुशी के कारण एक दो की, क्यों खुश हैं आप? खुश तो होगा, क्यों खुश हैं? साहब खुश आइए, क्या करिए, दुखी रहे? नहीं नहीं, दुखी मत होइए, लेकिन बोलते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया इसीलिए हम खुश हैं, तो वो एक दो काम होंगे जिनकी वजह से आप खुश हैं? अब साहब जो काम सरकार कर रही, ठीक कर रही या गलत कर रही, मगर सरकार तो ठीक काम कर रही है। राशन को राशन देती है, सब कुछ देता। अच्छा, है जो राशन दे रही फ्री का, इससे आप ठीक है और क्या। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए, क्या हाल चाल भैया? बढ़िया बाबू, ठीक ठाक। हाँ हाँ, कहाँ से आ रहे हो? हमको बाजार से आ रहे। अच्छा, बाजार से आ रहे हो। हाँ। सरकार के काम काज से खुश हो? हाँ, सरकार से काम काज से खुश है कोई। अच्छा, क्या करते हो आप? हम तो किसानी करते हो, मजदूरी भी करते। अच्छा, किसानी करते हो, खेती करते हो? तो खेती करते हो तो ये जानवर जो आपके यहाँ खुला घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, इनसे खेत कैसे बचाते हो?
अरे अब इनका साहब कांटा रूंधो उनका 24 घंटा वहाँ बैठो मेड़ पे, और क्या करोगे तब ही ना बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं खेत। जितना लागत आप लगाते हो उतने लागत का अनाज आपको मिल जाता है? अरे सर कोई जरूरी नहीं है, इनसे बच गया तब तो थोड़ा मोड़ा मिल गया, ना बचा तो चलो काम खत्म। अच्छा सरकार से कुछ कहना चाहोगे आप कि जानवरों के लिए कुछ करें? अरे इनके लिए हाँ कोई करे तो ठीक है साहब, ना करे तो अब उनकी मर्जी की बात है। 2022 में वोट डालने जाओगे? हाँ वोट तो डालना ही। अच्छा अपना कर्तव्य निभाने जाओगे आप, तो मन में कोई मुद्दा रहेगा कि सरकार को हम वोट क्यों दें, किस मुद्दे पे वोट दें? देना तो है ही है, उनको तो वोट देना ही पड़ेगा। बेरोजगारी महंगाई कुछ आपको लगता है कि देश के अंदर है? अरे हाँ बेरोजगारी महंगाई तो है ही है, जैसे ये तेल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया इन्होंने। जैसे अब घर शाम के वक्त बिजली 2 घंटे कट गई तो अब क्या अंधेरे में खाओ या मोमबत्ती जलाओ। अच्छा सबसे मुश्किल तो ये भी हो गया कि जो तेल भी जो कड़वा तेल का क्या हाल है? अरे कड़वा तेल लोग वही 200 रुपया लीटर है कड़वा तेल, 200 रुपया लीटर। तो सब्जी मतलब बनाते हो तेल में या नहीं? अरे बनावा देता है, जैसे थोड़ी बनाओ जैसे बहुत बनाओ एक। अच्छा चलिए शुक्रिया। तो जैसा कि देखा ये हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, सबका दुख एक है, खेती चाहे जितनी भी हो, चाहे 1 बीघे हो चाहे 100 बीघे हो, लेकिन उसको बचाने के लिए 24 घंटे की ड्यूटी लगी है, जिसके लिए मोदी जी हर किसान को 2000 रुपया देते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहाँ किसानों ने बोला कि इनके दो हज़ार जो पात्र है उनको यहाँ नहीं पहुँचता 2000 रुपया, वो 2000 रुपया कहाँ जाता, हो सकता है टीवी के ऐड तक सीमित रह जाता है, हो सकता दिल्ली तक रह जाता हो। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।